फिलहाल हमारे एम्बुलेंस जी ये तीन तलवार के करीब एक्सीडेंट हो गया है रक्षे और बाइक का, काफ़ी लोग जख्मी हैं। जी जी तीन तलवार के पास द सेंट रेड क्रेसेंट इज पायोनियर इन फर्स्ट एड ट्रेनिंग इन ERCS। द फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1984 एट द प्रोविंशियल हेडक्वार्टर कराची विद द एम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड, होम नर्सिंग, basic healthcare services, disaster management, and volunteer development sector. किसी भी emergency situation में unconscious casualty को किस तरह से deal करना है हम सिर्फ देखेंगे। इसका chest और abdominal rise and fall हो रहा है, yes ये हो रहा है, तो फिर हमने क्या करना है, इसको हमने इसको recovery position में promote करना है। हम इस हाथ को उसी तरह से L shape में कर देंगे। Training institute में first aid की, paramedics की, disaster management की और इस तरह की बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग कोर्सेज हर वक्त चलती रहती हैं और लाखों की तादाद में जब से हमने इसको शुरू किया 1984 में ये ट्रेनिंग सेंटर हमारा शुरू हुआ था और अब तक लाखों की तादाद में हम लोगों को ट्रेनिंग देते रहे हैं। दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज आल्सो प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एयरलाइंस, होटल्स एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स, फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, बैंक्स एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस। Special first aid course is also designed for police academies, transport departments and professional drivers. This department is also maintaining a trained group of volunteers named first aid responders who provide first aid assistance in case of emergencies. Choking jab kisi ko hoti hai to kya sign and symptoms nazar aate hain, aapko kya lagta hai? Theek hai, aapko ye sign nazar aayega ki uske dono haath uske गले के करीब आएंगे और कलर चेंज होगा। तो करने का तरीका क्या है, आपको पता है कि बच्चे का जो हेड है या नेक ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसके लिए हम उसके चिन को टू फिंगर से होल्ड करेंगे, इसकी जो पोजीशन होगी वो इंक्लाइन होगी, नीचे की तरफ होगी। आप दोनों पाँव को अपने हाथ के अंदर भी डाल सकते हैं इस पोजिशन में ताकि ईजिली ये फ्लेक्सीबल हो, आप भी फ्लेक्सीबल हो और बच्चा भी रिलैक्स हो। इसके बाद आपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ हील ऑफ योर हैंड आपने क्या देने हैं, बैक ब्लोज देने, 2, 3, 4, 5। जहाँ पे भी माइनर ब्लीडिंग हो, हल्की सी कट लग जाना शेविंग करते हुए या कोई जो है ना खवातीन सब्जी वगैरह काटते हैं, इसमें जो भी हल्की चोट जहाँ पे जान के लिए कोई खतरा ना हो तो वो क्या है, माइनर ब्लीडिंग या माइनर वुंड कहलाता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, पानी से धोना है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा दबाना है और उसको खुश करके बैंडेज करना है। अब आते हैं मेजर ब्लीडिंग की तरफ। अगर ज़ख्म चाहे बड़ा हो या छोटा हो लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। हमारी सर्विसेज और प्रोग्राम है वो दो तरह का है, एक हम ट्रेनिंग करवाते हैं जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग कहलाती है, जो कि स्कूलों, कॉलेजों में, कॉर्पोरेट में और डिफरेंट इदारों में हम लोग उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवाते हैं। दूसरा हमारा जो बेसिक काम है वो है कि किसी भी इमरजेंसी के मौके पे कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए वहां पर हमारी फर्स्ट एड रिस्पांस टीम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है। आज चूंकि फर्स्ट एड का सेशन है, बीइंग अ नर्सिंग स्टाफ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हाउ टू गिव द फर्स्ट एड। आज जो हम ट्रेनिंग देंगे वो आपको फर्स्ट एड पे ट्रेनिंग देंगे। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड हम कहाँ देते हैं, जहाँ पे हादसा हो जाए अस्पताल या डॉक्टर तक पहुँचने के दरमियान का जो फासला है उस दरमियान के अंदर उस कैजुअलिटी को मैनेज करने को फर्स्ट एड। So far, this training institute has provided first aid and allied training to more than 500,000 people in the Sindh. तो रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इस स्कूल में उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। हर साल जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं ये बहुत ही नॉलेजफुल होती है स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टूडेंट्स 50 कम्युनिटीज़ में जाकर ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स देते हैं, तो उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं रेड क्रिसेंट सोसाइटी के।
ट्रेनिंग फ्री में स्कूलों में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एनजीओज़ में दी जाती है ताकि नौजवान नस्ल को हम इमरजेंसीज़ में फ़र्स्ट एड में या किसी किस्म की नागहानी आफत में नबर्द आज़मा होने की उनको तैयारी करा सकें। हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली है, किसी की हड्डी टूट जाए, बम क्लास हो जाए और जैसे किसी का खून बह जाए। मैंने आज फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सीखी है कि कहीं भी हादसा हो जाए और अपनी और दूसरों की जान कैसे बचानी। शुक्रिया हिलाल अहमद पाकिस्तान। ट्रेनिंग का सेशन बहुत अच्छा इंटरेक्टिव था जिसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। उस ट्रेनिंग के बाद हमने एक चीज़ महसूस की कि बच्चों में एक इम्प्रूवमेंट आई है, उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वो उन चीज़ों को फेस कर सकते हैं जिन पे पहले परेशान हो जाया करते थे। इस प्रोग्राम को हम एक कामयाब प्रोग्राम कह सकते हैं क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम शाज़ो नादिर ही होते हैं और ये हमारे पास हिलाल अहमद पाकिस्तान सखर का तावन रहा है जिन्होंने मास्टर ट्रेनर्स भेजे हैं, डॉक्टर्स आए हैं हमारे पास जिन्होंने फर्स्ट एड के हवाले से बच्चों को समझाया है। हमारा जो एम्बुलेंस पूरा एम्बुलेंस नेटवर्क है बेसिकली हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के साथ मुंसलिक है। एम्बुलेंस ड्राइवर को ये इजाज़त नहीं है कि वो पूछेगा तो जाएगा, जैसे ही उसको इतला आती है वो फौरी तौर पर अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ पर पहुँच जाता है। इलाके के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनको इतला करते हैं कि वो जाए हादसे पर वहाँ पर पहुँचे और एम्बुलेंस में जो उनका सामान जाता है फर्स्ट एड बॉक्सेज हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो उनके साथ गाड़ी में खुद ब खुद पहुँचती हैं और फिर वहाँ हमारे वॉलंटियर्स अपना सामान लेते हैं और वहाँ लोगों की मदद करते हैं। ये एम्बुलेंस डिवीज़न उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी एम्बुलेंसेज 24 घंटे अवेलेबल हैं, पूरे सिंध के लिए अवेलेबल हैं, बल्कि वो बाज़ोकात सिंध से बाहर भी जाती हैं अगर वो जा सकती हैं। जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसमें ये एम्बुलेंस सर्विस वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है।